हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ जो मैं बात कर रहा हूँ आज इस वीडियो में, उसका टॉपिक है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, उसके बारे में हमने जो बात की थी वो आईपीओ के बारे में की थी। आईपीओ का एनालिसिस जो है मैंने किया था, और मैंने आईपीओ के आने से करीबन 10-15 दिन पहले ही उसके बारे में एक ही ओपिनियन जो है वो जाहिर की थी। उसकी जो वैल्यूएशन थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, और मैंने केवल सब्सक्राइब करने की बात की थी। हालांकि इससे पहले जो सीएसबी बैंक का जो आईपीओ आया था, उसमें मैंने सब्सक्रिप्शन के लिए मना किया था। हालांकि उसमें भी काफी अच्छे जो है लिस्टिंग गेन जो है देखने के लिए मिले। तो फंडामेंटली जो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो आईपीओ थी, उसकी तो जो लिस्टिंग है वो हमें लग रहा है कि ब्लॉकबस्टर होगी, और 166 टाइम्स जो है वो आईपीओ है जो ओवर सब्सक्राइब हुआ। तो अब यहाँ पे कुछ जो सवाल जो हमारे व्यूअर्स पिछले 2-3 दिन से हमारे से डिस्कस कर रहे हैं, और स्पेशली कल से जब अलॉटमेंट आ गई तो वो जो सवाल हमारे से किए जा रहे हैं, मैं उन सवालों के जो जवाब हैं सिलसिलेवार तरीके से आपके साथ बात करूंगा। देखिए, जो प्रमुखता है, दो क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सर, जो लिस्टिंग होगी तो क्या लिस्टिंग गेन का क्या किया जाए। पहला ये सवाल ज्यादातर लोगों का है। दूसरा जो सवाल है वो ये है कि सर, हम इंट्राडे करें इस शेयर के अंदर कल जब लिस्टिंग होगी तो। और कुछ कम लोगों ने सवाल पूछा है, लेकिन वो सवाल जायज है कि क्या सर, हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर हमें लिस्टिंग में किस प्राइस पर मिले तो हम इस शेयर्स को जो है अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखें। तो देखिएगा, जैसे कि मैंने आपके साथ जो वीडियो डिस्कस की थी तो शुरू में, तो मैंने कहा था कि देखिएगा, जो शुरू में हमने सबसे पहली वीडियो थी जब ज़्यादा डिटेल नहीं थी, तो हमने जो कट ऑफ प्राइस था वो 35 रुपये डिस्कस किया था, लेकिन बाद में वो रिवाइज होकर 37 रुपीज़ हो गया था। तो हमारी जो वीडियो थी वो थोड़ी पूरी प्रॉपर डिटेल आने से जस्ट थोड़ा सा पहले थी, उसमें चेंज थी, क्योंकि उन्होंने 35 रुपये में कुछ अलॉटमेंट जो है कुछ एंकर इन्वेस्टर्स को जो है की थी। तो यहाँ पर देखिएगा, ये तो बात सीधी सी बात है, जग जाहिर है कि जो 166 टाइम्स जो है शेयर ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है, तो लिस्टिंग तो अच्छी होनी होनी है। तो सिंपल सी बात यह है कि अब यहाँ पर ये माना जा रहा है कि जो अभी मैं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स जो है मेरे सामने है स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पर जो पहली बात आ रही है कि क्या ये जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है या अपनी जो होल्डिंग कंपनी है, क्या उससे भी ज़्यादा वैल्यूएशन पर चला जाएगा। तो अभी हम होल्डिंग कंपनी की तरफ भी नज़र बना के रखेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो मार्केट के अंदर जो सोर्सेज हैं वो दिसंबर 10 की जो बात कर रहे हैं, ये जो मैं न्यूज़ आपसे पढ़ रहा हूँ, ये मनी कंट्रोल की साइट से मैं पढ़ रहा हूँ, वो 25 से लेकर 29 तक की जो प्रीमियम उसकी बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि 25 रुपये भी हम अगर लोअर एंड पे भी देखें, तो 25 रुपये का अगर ये प्रीमियम हम ऐड कर दें तो शेयर करीबन 59 यानी कि 60 रुपीज़ के आसपास जो है आपको ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। तो सिंपल सी बात है, इन प्राइजेस के ऊपर जो है वैल्यूएशंस जो है वो प्राइस टू बुक वैल्यू थ्री टाइम्स हो जाएंगी, और पी रेशियो भी जो है अपवर्ड ट्रेंड में आ जाएंगी। तो अगर वहाँ पे आप उसको कंपेयर करें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से, तब भी उससे थोड़ा सा चीप होंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिन भी इन्वेस्टर को इस तरीके की, सबसे पहली बात मैं उनके सवालों के जवाब दे रहा हूँ जिनके सब्सक्रिप्शन आए हैं। देखिए, अगर मैं आपकी जगह होता और मेरी सब्सक्रिप्शन आई होती, तो मैं तो सीधी सी बात ये होती कि अगर मुझे 25 रुपये का प्रीमियम मिल रहा होता, 40 जो है 400 मेरे शेयर होते, सीधे 10,000 रुपये, तो मैं तो सीधी बात है थोड़ी देर इंतजार करता कि मार्केट किस तरफ जा रही है। और क्योंकि मार्केट के अंदर जिस तरीके की वो सब्सक्रिप्शन थी 166 टाइम्स की, तो ये यहाँ पे 25 रुपये शायद सस्टेन भी कर सकता है। तो सीधी सी बात क्या है कि अगर यहाँ पे 25 रुपये जो है सस्टेन करता है तो 10,000 रुपये बनते हैं, और थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो 11,000-12,000 रुपये तक भी बन सकते हैं। तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं तो अपना प्रॉफिट बुक करता और फिर बाद की बात में देखते, क्योंकि कभी कभी यूफोरिया जो है वो बना होता है मार्केट के अंदर, और उसके अंदर जो है वैल्यूएशंस थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं। यही मैंने सीएसबी बैंक में भी बोला था, मैंने कहा जो पैसे बने वो आप काट लेना। हालांकि हम उम्मीद कर रहे थे 250 की, लेकिन उसकी लिस्टिंग जो है 270-275 रुपये पे हुई, और फिर वो 300 रुपये तक जो है दिन भर ट्रेड करता रहा। तो वहाँ पे भी जिन लोगों ने सीएसबी बैंक में प्रॉफिट काटा होगा, अभी देखिए वहाँ से 60 रुपये जो है नीचे आ गया है। तो ये मार्केट की फितरत है, पहले भी ऐसे आईपीओ में, लेकिन बहुत सारे आईपीओ ऐसे होते हैं जो वो प्राइस दोबारा नहीं दिखाते हैं और उसके ऊपर ही चले जाते हैं, जैसे आईआरसीटीसी का था, या उससे पहले अगर हम बात करें डीमार्ट का आईपीओ था, तो ऐसे भी केसेस देखने के लिए मिले हैं। लेकिन देखिएगा, अभी ये जो बैंक है ना, स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ऐसा सेक्टर है जहाँ पर कि मार्केट के अंदर अभी पेनिट्रेशन होना है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि बैंक बढ़िया है, लेकिन सीधी सीधी बात है कि भाई साहब, इतनी जल्दी अर्निंग कहाँ आ रही है? अर्निंग थोड़ी ना आ रही है, अभी बैंक बनेगा, सेटल होएगा, उसकी परफॉर्मेंस आएगी। सीधी सी बात है, बैंक बना हुआ है लेकिन काम भी है, ग्रोथ भी है, और सीधी सी बात यह है। तो हम तो यही बात कहेंगे कि भाई साहब, इसमें पैसे बने तो अपने बना के अपने घर ले जाओ, ठीक है जी, और पैसे बनेंगे
तो भाई साहब उससे एंजॉय करिएगा। ठीक है जी, कुछ अपने घर में कोई सामान लेके जा सकते हो आप, तो 10,000 रुपये है आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी है, और सीधी बात है 10,000 रुपये बन रहे हैं। तो मैं तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोला था सीएसबी वाली में, बच्चों के लिए मिठाई ले जाओ, उनके लिए कपड़े ले जाओ, सर्दी आ रही है भाई, सर्दियों के कपड़े खरीद लो, कुछ और कहीं पे घूमने चले जाओ, फिल्म वगैरह देख लो तो वीकेंड पे। तो सीधी सी बात ये, मैं तो देखिए सलाह दूंगा कि भाई साहब 10,000 रुपये जो है ये आपको प्रॉफिट बुक कर लेने चाहिए। अब जो लोग हैं इंट्राडे वाले, तो देखिए भाई साहब इंट्राडे में ऐसा होता है कि ये जो शेयर्स होता है जो नया होता है, इसकी किसी को कुछ नहीं पता होती, क्योंकि बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया, हो सकता है वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो आप नीचे फंस भी सकते हो। तो इंट्राडे की तो जी मेरी सलाह बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी आप 2-4-5 दिन तक के लिए होल्ड कर सकते हो, और आपको लगे कि जो इंट्राडे जो है वो नीचे बॉटम की तरफ मारे लिस्टिंग के बाद, तो वहां पे आप, हो सकता है कि अगर आपके अंदर महारत है इंट्राडे की, तो आप अगर वहां पे कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। लेकिन इंट्राडे में भी करें तो छोटी छोटी क्वांटिटीज में, कुछ लोट्स में करें। जैसे आप मान लीजिए आप 10,000 शेयर में ही करना चाहते हो, तो जैसे पहले 1,000 शेयर लिए, फिर अगर नीचे आता तो 1,000 ले लिए, ऊपर चला गया तो फिर उसमें बेचते, तो ध्यान रखिएगा। तो छोटी क्वांटिटी में करें, बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर आप ये भी ना करें। तो मैं तो वैसे इंट्राडे के खिलाफ ही रहता हूँ, लेकिन जिन लोगों ने सवाल किया था, तो हो सकता है कि क्योंकि वोलेटिलिटी रहेगी दोनों साइड पर, ये ध्यान रखिएगा इंट्राडे में शेयर फंस जाएं आपके पास, तो कम से कम 5-7-10 दिन जो है आप इंतजार कर सकें। और सीधी बात ये भी है, ध्यान रखना वाली बात है कि फिर स्टॉप लॉस वगैरह जो है उनका बे हिसाब तरीके से जो है आप रखें, उसकी बे इंतहा ना कर दें, कई बातें पता चले वो 4-5 दिन बाद वो शेयर नीचे आ जाए। तो मैं वैसे तो इंट्राडे की सलाह देता ही नहीं हूँ, लेकिन अगर करें भी तो भैया अगर आपके अंदर स्किल है तो आप जो है अपनी ट्रेडिंग स्किल का यूज़ करके और विद स्टॉप लॉस ही काम करें। और लेकिन वोलेटिलिटी इतनी होती है भैया, स्टॉप लॉस काम ही नहीं करता ऐसे दिन में। अब स्टॉप लॉस को क्या कर, अचार डालोगे स्टॉप लॉस निकलेगा ही, स्टॉप लॉस लगाओगे 2-3 रुपये तो इधर ही मारेगा। तो अब आपको वो पता नहीं ना किस बेस के प्राइस के आसपास जो है सेटल हो सकता है। तो देखिए मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हम नहीं कर रहा, देखिए मैंने IRCTC लिया था डिलीवरी के लिए लिस्टिंग वाले दिन, लेकिन वो हुआ क्या, इंट्राडे में अच्छा प्रॉफिट हो गया, मैं निकल के बाहर हो गया, उस दिन के बाद मैंने IRCTC का हाथ ही नहीं लगाया। तो सिंपल सी बात यह है कि भैया IRCTC का मैंने अप्लाई किया था, आया नहीं, तो वो लालच आ जाता है कि यार इंट्राडे करेंगे। तो लेकिन IRCTC में मुझे वैल्यूएशंस जो है लग रही थी गैप, लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए अभी 65-70 रुपये पहले ही खुल जाएगा तो भैया बचेगा क्या इंट्राडे वाले के लिए। तो सीधी सी बात यह है, तो मैं तो यही बोलूंगा अगर 60 रुपये से ऊपर खुले भैया प्रॉफिट लो, अपने घर जाओ, मौज करो, और इंट्राडे के चक्कर में ना पड़ो। कभी मिले नीचे 50 के आसपास, कभी 10-15 दिन बाद जब देख लेना आप, अगर आपको लगता है वैल्यूएशन की लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो या तब यहाँ पे वैल्यू बन रही हो। तो सिंपल सी बात है। अब जो बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म वाले, तो देखिए जी लॉन्ग टर्म वालों के लिए मैं यही बोलूंगा 1-2 क्वार्टर तक जो है आप रुकना पड़ेगा, आपको कम से कम इंतजार करना पड़ेगा रिजल्ट का। हालांकि फिर भी अगर IPO प्राइस 37-45 रुपये के आसपास कभी महीने 2 महीने 10 दिन में 20 दिन में अगर मिले वहां पे, फिर आप देख सकते हैं। और अगर एक क्वार्टर रिजल्ट आ जाए तब तक परफॉर्मेंस भी पता चल जाए शेयर किस तरीके से काम कर रहा है। और दूसरी बात यह, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में और इंद्र क्या नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में किस तरीके के वैल्यूएशंस गैप रहते हैं या किन वैल्यूएशंस पे ट्रेड करते हैं, ये भी देखने वाली बात है। और ये सीधी बात यह है कि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी अकेले 2 तो रहेंगे नहीं, अब और भी जो बैंक्स हैं वो पाइपलाइन में है। जहाँ तक हमें खबर मिल रही है कि इक्विटास वाले जो लोग हैं वो भी जो है ट्राई कर रहे हैं, तो वो शायद इसकी लिस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। जैसे इसकी लिस्टिंग अच्छी होगी, शायद उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की लिस्टिंग के बाद जो है इक्विटास होल्डिंग का जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो भी जो है आ सकता है। और उसके बारे में जो वीडियो है हमने उसकी जो फंडामेंटल्स है वो डाल दिए, क्योंकि IPO की तो डिटेल अभी है नहीं, लेकिन इक्विटास किस तरीके से काम करती है वो हमने दूसरी वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर लिया। ठीक है जी, तो मैंने आपको जवाब दिया 3। पहला जवाब दिया जिनको लिस्टिंग मिला है, भाई साहब 60-70 रुपये में मिले, एंजॉय करिए, 10-12 हज़ार 15 हज़ार है जेब में डालिए। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं तो ये करता, जो आपके सवाल थे। दूसरे जो लोग थे, भाई साहब इंट्राडे में मना करता हूँ, फिर भी आपका मन करता है तो भाई साहब स्टॉप लॉस के साथ खेलिए, लेकिन स्टॉप लॉस ऐसे ही मार्केट के अंदर कट जाते हैं। तो सीधी सी बात ही, आपके अगर आपके अंदर स्किल है तो आप कर लीजिए, लेकिन छोटे छोटे लोट्स में करिए, एक साथ इकट्ठी सारे शेयर्स ना खरीदिए, क्योंकि हमें लालच आ जाता है कि भाई सब इकट्ठे एक बार शेयर खरीदो अभी ऊपर चला जाएगा। और IPO के दिन ऐसा होता है ऊपर के प्राइजेस भी आ जाते हैं, नीचे के प्राइजेस भी आते हैं। तो इंट्राडे में प्रॉफिट तो कमा सकते हो आप, लेकिन आपके अंदर महारत होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ट्रेडिंग वाली महारत है तो आप कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म वाले जो लोग हैं उनका सवाल, लॉन्ग टर्म वालों को यही कहूंगा, भाई साहब पहले दिन जो है फंडे में पैर नहीं देना चाहिए। पहले दिन फंडे में पैर दे दो तो भाई साहब फंस के चले आए, वहां से 8-10 रुपये नीचे हो गया, तो वो भाई साहब वो 8-10 रुपये जो है ना 15-20% होते हैं, और एक बार 15-20% का झटका लगा भाई साहब रोज टेंशन हो जाएगी। और अगर वो लीवरेज रख ली तो और दिक्कत हो जाएगी। तो मार्केट में और बेहतर विकल्प जो है उपलब्ध है,
तो भाई साहब वहां पे हाथ लगा लो, जरूरी थोड़े ना नई चीजें पता है नहीं, और नई चीजें पता हो नहीं और जाके फड्डे में पैर दे दो, तो भैया सीधी बात है वो लॉन्ग टर्म, ऐसा लॉन्ग टर्म बन जाता है जिंदगी भर के लिए पछतावा हो जाता है। तो सिंपल सी बात यह है, थोड़ा सा रुक जाओ, अभी सीएसबी बैंक में जिसने 300 का लिया था 60 रुपए नीचे आ गया, तो भाई साहब किसी ने इंट्राडे मारा होगा 300 रुपए में, भाई साहब वो आज फंस के खड़ा हो गया, या तो इंट्राडे लॉस ले लिया होगा, डिलीवरी ली होगी। तो देखिए लिस्टिंग उसकी भी अच्छी हुई थी, आईपीओ को उसको भी वो बहुत अच्छा ओवर सब्सक्रिप्शन था, हालांकि इतना नहीं था। तो भाई साहब अपना दिमाग लगाओ, ज्यादा लालच के चक्कर में ना लेने के देने पड़ जाते हैं। तो सिंपल सी बात यह, अपने दिमाग का जो है सदुपयोग करो, और सदुपयोग करोगे तो फायदे में रहोगे, ठीक है जी। और लालच की माता जी पकौड़े खाती है, ठीक है जी। तो सिंपल सी बात यह है कि लालची मत बनो, और जो है जहां पैसे मिल रहे हो वहां ले लेने चाहिए। हाँ, अगर आप बहुत ही ज्यादा अच्छे से, आपको लग रहा है कंपनी बहुत बढ़िया करेगी, हो सकता है बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे दे, तो भाई साहब उसके लिए दो चार फाइनेंशियल्स तो हमारे पास हो कम से कम, किस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है, या आपको उसकी इंटरनल न्यूज हो बहुत अच्छी कि भाई साहब इस तरीके से काम कर रही है, सेक्टर बूमिंग है ये मैं भी मान रहा हूँ, क्योंकि इंटरपेनेट्रेटेड है स्मॉल फाइनेंस बैंक। मैं भी इसीलिए मैंने भी आईपीओ में लगाया था, और मैंने कहा भी था कि 4-5 लोट तो कम से कम लगा देना, लेकिन मैंने खुद कहा था कि 1 लोट भैया आया नहीं, अगर आया होता तो 10,000 रुपये लेके साइड हो जाते, ठीक है जी। तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा भाई साहब, जिन जिन के लगाया भाई साहब अपनी किस्मत का उपयोग करिए, वो जो पैसे आपके बन रहे हैं एक बार तो भाई साहब उसको एंजॉय कर लीजिए, फिल्म देखिए, घूमिए फिरिए, खाइए पीजिए, ठीक है जी। अपने बच्चों पे खर्च करिए, वो भी खुश होंगे पापा कमा के लाए हैं पैसे बढ़िया अलग से। और ऐसे जो बोनस होते हैं, ये जो है वन टाइम गेन्स जो होते हैं, इनको इनके मजा ही अलग होता है। बाकी आपकी जो इन्वेस्टमेंट चल रही है वो तो चल ही रही है, ठीक है जी। अगर मेरा होता तो मैं तो सीधी बातें यही करने वाला था। तो आपके तीनों सवालों के जवाब दे दिया मैंने, लॉन्ग टर्म वालों को भी दे दिया, इंट्राडे वालों को भी दे दिया, और भाई जैसे जिसकी आईपीओ में आई है लॉटरी लग रही है भैया, वो लॉटरी के पैसे अपने वसूल करके घर जाए, और भी जो सवाल हो पूछ लेना भाई, और जब आपके जैसे जैसे सवाल होंगे वैसे वैसे जवाब दे दूंगा। एक्चुअली क्या, अभी 2-3 दिन से तो भाई साहब यस बैंक की वीडियो पे ही मतलब काम चल रहा था, यस बैंक वालों ने भाई साहब अच्छा लपेट दिया लोगों को, ठीक है जी, और लपेटा भी ऐसे। और मैं तो आपको बताऊं, मैं कई वीडियोस में समझाता जा रहा हूं भाई साहब, अब मैं ये तो कह नहीं सकता भाई इसको खरीदना मत खरीदना मत, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट 70 रुपये के आसपास से, क्योंकि हमें डाउट हो रहा था, लेकिन हम सीधा तो बोल नहीं सकते भाई साहब यस बैंक ले मत लेना, आप कहोगे भाई साहब ऊपर चला गया आपने तो हमें फंसवा दिया। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर भी अपने विवेक का जो है दिमाग लगाना भाई साहब, उज्जीवन में भी तो हम क्लियर नहीं बोल रहे, गाइडेंस दे देते हैं कि भाई साहब इस तरीके की जो है सिचुएशन है, अंतिम फैसला तो अपना ही है, जो आप लोगे वही अंतिम फैसला है, तो भाई साहब पैसे आपके हैं, नुकसान आपको होगा फायदा आपको होगा, सीधी सी बात यह है। तो भैया एंजॉय करिए, वीडियो कर रहा हूँ समाप्त, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।